वेलकम बैक खवातीन रोज रात आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार वुमेन्स डे स्पेशल। आपकी मुलाकात कराते हैं डवी एंड डिलाइट की रिप्रेजेंटेटिव शाजिया खान से। अस्सलाम वालेकुम शाजिया, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं शायद कोई मॉडल आई हुई है लेकिन कह रही नहीं, ये तो खाना बनाते हैं। अच्छा शाजिया, आपने कब से रवि एंड डिलाइट स्टार्ट किया? मुझे 2.5 साल हुए हैं अभी ये करते हुए। 2.5 साल पहले जी। अच्छा मुझे एक बात बताएं, मुझे हमेशा ये जो थॉट प्रोसेस है वो जानने में बड़ा मजा आता है कि वो कौन सा मौका, वो कौन सा लम्हा था जब आपने रियलाइज किया कि अब मैं इसको एक प्रोफेशन की शक्ल देती हूँ? मुझे शुरू से ही शौक था इसका, फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं सर्टिफाइड शेफ हो जाऊँ। और इस तरह मैं सर्टिफाइड, मैंने गौतम से सर्टिफाइड हूँ। गौतम से? जी, मैं पेस्ट्री शेफ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं अपना ऑनलाइन रन बिजनेस कर रही हूँ डफी एंड डिलाइट, और वो बहुत अच्छा जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी नाइस। और आप ज्यादातर केक्स एंड पेस्ट्रीज? केक्स, पेस्ट्रीज और डेजर्ट्स में जो भी चीजें होती हैं सब मैं। और आपने ये डिग्री लेके काम जी स्टार्ट डिग्री लेकर और मेरे लिए इजी हो गया, आप लोग मुझे जानते हैं कि मैं सर्टिफाइड हूं। अच्छा शादी, जितने भी लोग खाने का ऑनलाइन काम कर रहे होते हैं ना, उनकी एक बहुत ही कॉमन शिकायत होती हुई होती है कि ऑर्डर लोगों के आते हैं और फिर एकदम से वो फोन कॉल गायब हो जाती है। कभी आपके साथ ऐसा हुआ? नहीं, मेरे साथ बिल्कुल नहीं है ऐसा हुआ। अच्छा, अभी तक आप लकी रही हैं इसका मतलब? मेरे साथ ऐसा नहीं। कभी होते हैं लोग ऑर्डर कर देते हैं फिर उसके बाद दे डोंट फॉलो अप, या कभी आपने 2 दिन पहले ऑर्डर भिजवा दिया हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ मेरे साथ। तो हम लोग एक्सपो पे थे एग्जीबिशन के अंदर, और अगले दिन इसका ऑर्डर था और ये भूली हुई थी। चलो ये हमारे यहाँ सच्चाई से पर्दा उठाया। नहीं, माशाल्लाह ऑर्डर्स होते कि मैं भूल भी जाते। अच्छा, ये है जबरदस्त। अच्छा आप मुझे एक बात बताएं, जिस तरह अभी मैं पूछ रहा था, आपकी फैमिली का क्या रद्द अमल रहा जब आपने इसको बिजनेस के तौर पे शुरू? मेरी फैमिली में मुझे सब बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। वो मैं इनकी एडमिन भी हूँ इनके साथ, जो KWE की है, मैं उनकी एडमिन भी हूँ, और मैं इनके साथ इवेंट्स में जाती रहती हूँ, सपोर्ट करते हैं, और अपने बिजनेस को भी प्रमोट करती हूँ। और फैमिली आपकी शुरू से ही सपोर्टिव है कि आप ये काम कर रहे हैं? बिल्कुल जी। जबरदस्त, वेरी नाइस। आपकी मुलाकात कैसे हुई शमा से? मैंने इनको सोशल मीडिया पे देखा था और इनकी एक्टिविटीज़ देखी थी, ये काफ़ी एंटरप्रेन्योर्स पे ज़्यादा काम कर रही हैं, और फिर मैंने इनको अप्रोच किया, इनको मैसेज किया और अपना काम दिखाया, और मेरे काम से काफ़ी इंस्पायर हुई और फिर मैं इनके साथ हूँ अभी तक। अरे वाह जबरदस्त। अच्छा आप जो केक्स वगैरह बना रही होती हैं इनमें वैरायटी कितनी है? जी बहुत, मैं फोंडेंट वर्क ज़्यादा करती हूँ। ठीक है। और कस्टमाइज जितने भी होते हैं फोंडेंट वर्क होते हैं ज़्यादातर मेरे। अच्छा, और आपको कितने दिन पहले ऑर्डर्स देने पड़ते हैं? वही मुझे 2 दिन पहले भी दे देता है, 1 दिन पहले भी दे देता है, मैं बना लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, और मैंने 20-20 केक का भी ऑर्डर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। जी वाओ जी, वेरी नाइस। तो आपकी कोई टीम है या खुद अकेले? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अभी खुद कर रही हूँ। इंशाल्लाह इन फ्यूचर में अपना बेकरी खोलने का इरादा है इंशाल्लाह। भाई वेरी नाइस, वेरी नाइस। इतना अच्छा ख्वाब है, और हमारी यही दुआ है कि हमारी बहन है शाजिया, इनका ये ख्वाब अल्लाह ताला जल्द अज जल्द पूरा करे, आमीन। अच्छा शाजिया, जिस तरह खदीजा क्लासेस दे रही हैं, आप भी क्लासेस दे रही हैं, या आगे फ्यूचर में कोई प्लान रखती हैं? क्लासेस तो नहीं, इंशाल्लाह अपनी बेकरी खोलने का मेरा है कि इंशाल्लाह वो करूँ मैं।